नमस्ते भारत। हम बलराम किसान हैं, बड़वानी मध्य प्रदेश से, और आज है गजानन भाई के प्लॉट पर। यहाँ पर नांदेड़ में हैं हम, और मेन डुक्कर की दिक्कत रहती है। आइट साइड जो नेट दिख रही है, ये सुअर से सबसे अच्छा बचाव है। एकदम सरल तरीके से कम खर्चे में बचाव होता है। सुअर जो केले के गाँठ को खोद करके उसकी जड़ों को खा लेता है, ये कितना खर्चा आता है इसमें? 2-2.5 हज़ार रुपये एकड़ पे। हाँ, एकदम सस्ता विकल्प है। इसकी बजाय अगर हम जाएंगे कि बड़ी नेट की तार की जाली लगाएंगे तो शायद 10-20 हज़ार रुपये एकड़ का खर्चा आएगा। ये पूरी बाउंड्री बना करके रखी है, और भैया ने 70-30 फॉलो करने की कोशिश पूरी की है। नाली पट्टा कल इसके बारे में बात करी थी, शायद आप तो नहीं थे, एक वीडियो मैंने डाला है। अभी जो पपई में इल्ली आ रही है, जैसे पपई है या आपका मक्का है, उसमें इल्ली आती ना, वो यहाँ तना छेद कर देती है, तो बाद में ये पत्ता फटा हुआ निकलता है। तो किसान समझता है ये कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी ये पत्ता निकलेगा, ये अच्छा निकलेगा, ये बाद वाला निकला था ये अच्छा है, ये पुराना है। ये सर, ये देखिए सर। हाँ, ये इर्विनिया रॉट है, इसमें अंदर गुठली में सड़न चालू हो गया है। जैसे हमारी ये मिट्टी है ना काली, ये देखो अगर हाथ लगाओगे तो ऐसे चिकट चिकट रहेगी, तो यहाँ जड़ में फंगस आ गया है। सॉइल बोन डिसीज से चालू होता है, इसको ब्लीचिंग पाउडर का ड्रेंचिंग चाहिए। हो गई सर? हाँ, रिपीट करना पड़ेगा अगर पानी ज़्यादा आया तो। ब्लीचिंग पाउडर, उसके बाद में ब्लू कापर स्ट्रेप्टोमाइसिन सब लिया सर। मैं गणेश भैया को भी हीरो डाल के दे, ये देखो सर ऐसा प्रॉब्लम आता है नहीं। हाँ बराबर है, इर्विनिया रॉड बोलते हैं इसको। ये सर वायरस। हाँ, ये आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो इस तरह की जो पोजीशन बनती है, ये सीएमवी का शुरुआती लक्षण है। हमें पता चलता है कि हमारे प्लॉट में सीएमवी अब इंटर करेगा, और वो जो पोजीशन है वो इसके बाद की पोजीशन है। हमें जब समझ में आ रहा है कि बारिश आ गई है और अब हमारे क्षेत्र में सीएमवी चालू हुआ है, जैसे हम तो अभी रेवा के प्लॉट पे खड़े हैं, लेकिन अदर भी जो भी कोई सा प्लॉट हो, कंद है या भारत की जितने टिश्यू कल्चर कंपनियां हैं, ये अब हर प्लॉट पर आना चालू है। आपके यहाँ कल मैं 17-18 प्लॉट पर विजिट किया, और अदर कंपनी के प्लॉट पर भी विजिट किया। तो जहां पर ये पोजीशन आपने बना के रखी, जैसे पानी निकासी हो रहा है, तो आपके खेत में आप देखेंगे तो असर उतना नहीं है जो दूसरे खेतों में असर है। इसका इलाज है, ऐसा नहीं है कि कोरोना हो गया तो गोली मार दो। किताबी ज्ञान में आप अगर साइंटिस्ट से सुनेंगे या समझेंगे तो एक ही इलाज है कि सीएमवी वायरस आया है, मतलब उखाड़ के फेंक दो। सर मैं नांदेड़ से आवा था। हाँ, तो एक प्लॉट मैंने देखा, वहाँ पे ऐसे वायरस थे, इतने बड़े झाड़ा थे, 70% प्लॉट ऐसा खींच के उपट के फेंक दिया उन्होंने, और कंद लगाए पूरे प्लॉट में। तो इससे कुछ इलाज हुआ क्या? नहीं। इससे तो यही हुआ कि उनका पैसा जो खर्च होना था वो अच्छे तरीके से खर्च हो गया, ठीक है। और इसमें किसानों के बीच में क्या मैसेज जाएगा कि अब केला लगाना नहीं है, दूसरी फसल पे जाना है। जैसे हमने कल आपके गांव के प्रैक्टिकल देखे कि सोयाबीन के बीच में जितना केला लगा है उसमें एक में कोई बीमारी नहीं है। नहीं, हमने 3-4 प्लॉट देखे, और आज और 2-3 प्लॉट देखना है, ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अभी सोयाबीन का है, अभी उधर 2000 प्लांट है, इसमें दिक्कत है। राजेशाही का है, 5 रुपए वाला, वो मैंने लिया वाला, सोयाबीन वाले में दिक्कत है, लिया वाला है, मैंने सोयाबीन कुछ भी दिक्कत नहीं। अभी किताबी ज्ञान में क्या है पता है? ये टाइप का है पूरा, मैं वही बोल रहा हूँ। किताबी ज्ञान में क्या है कि आप किसी फसल के साथ अंतर्वर्ती लगाते हो तो सीएमवी आएगा, तो कोई तन खरपतवार नहीं होना चाहिए। अभी हम किसान प्रैक्टिकल कर रहे हैं कि सोयाबीन के साथ है तो आता ही नहीं है, ये तो हमने हमारे खेत में देखा। तो मेरा ये कहना है, और यूनिवर्सिटियों से भी मैं अपील करूंगा कि जो किसानों के खेत में R&D हो रही है उसे देखने की चेष्टा करें, ठीक है। आपके प्लांट में कुछ परसेंटेज है, इसको अभी बहुत है सर। हाँ मैं समझ रहा हूँ, इसको अभी अगर ड्रेंचिंग करेंगे, 12.5 से प्लॉट है सर मेरा, आपके हिसाब से लगे वाला, ये देखो सर। बराबर है, ये देखो सर, ये देखूंगा, ये पानी अगर और बनता रहा, मैं ये बोल रहा हूँ, पानी अगर और गिरता रहा तो और बढ़ेगा। ये आपके और मेरे हाथ में नहीं है, ये जो काली मिट्टी और पानी का ज्यादा से ज्यादा बढ़वार, इसको कम करना हो
तो ब्लीचिंग पाउडर, ब्लू कापर ड्रेंचिंग और पानी बंद करना पड़ेगा, इन पौधों के नीचे से पानी की तान देना पड़ेगी। सर बारिश को अपन नहीं, अपन नहीं कर सकते ना, इसीलिए मैंने बोला कि बारिश अगर आई तो आपके और मेरे हाथ में नहीं, वो फिर नेचर के हाथ में। ठीक है, ठीक बात है। ये देखिए सर, ये बहुत